ब्लॉग विद राकेश 99 में आप सबों का स्वागत है। आज के ब्लॉग में मैं आप सबों को तरबूज का जूस घर पर कैसे तैयार करें बताने वाला हूं, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और साथ ही साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये जो मेरे हाथ में आप बड़ा सा तरबूज देख रहे हैं, इसको हम चाकू की मदद से काटेंगे और फिर आपको इसका जूस बनाकर दिखाएंगे। ये हमने तरबूज को काट दिया है, अब इसका छोटा छोटा स्लाइस करेंगे और फिर इसको मिक्सी वाले जार में डाल देंगे। फिर मिक्सी चालू करेंगे और 2 मिनट में जूस बनकर तैयार हो जाएगा। अब जूस बनकर तैयार हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे पुदीने की पत्ती, गोल मिर्च पाउडर, काला नमक, स्वादानुसार चीनी, जितना आप मीठा पीते हैं। हो सके तो आप इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। तरबूज का जूस हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो तरबूज के जूस का सेवन अवश्य करें। अब हम तरबूज के जूस में डाले गए सामग्री को मिलाने के लिए मिक्सी को दोबारा से चालू करेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने डाली हुई सामग्री को मिक्स कर लिया है। अब जूस को छन्नी की मदद से हम छान लेंगे। अब हम इसमें बर्फ का टुकड़ा मिलाएंगे। अब हम जूस के ग्लास को गार्निशिंग करने के लिए नींबू का जो टुकड़ा है उसको काट के ग्लास के बाहर लगाएंगे। अब हम उसमें डालेंगे पुदीने की हरी पत्ती, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा काला नमक। अब हमारा जूस पीने के लिए तैयार हो चुका है, अब हम इसको थोड़ा पियेंगे और आप सबों को इसका टेस्ट बताएंगे। तो जबरदस्त टेस्ट है जूस का। तो आप भी अपने घर में तरबूज का जूस बनाइए और उसे टेस्ट कीजिए और फिर कमेंट में उसका टेस्ट आप सबों को कैसा लगा जरूर बताइए।